क्लास टेंथ प्रश्नावली 6.4 उसका क्वेश्चन नंबर एक। एक त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज ए बी और सी, और एक त्रिभुज डीईएफ है, त्रिभुज डीईएफ, त्रिभुज डीईएफ। यहाँ पे दिया क्या है कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। तो और इसमें कह रहा है क्या, क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल दिया हुआ है दोनों का, और एक भुजा ई एफ दिया हुआ है। ई एफ दिया कितना, 15.4 सेंटीमीटर। तो कह रहा है ये निकालना है ये कितना होगा, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा, हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसका मतलब ये हो गया कि त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ए बी सी का क्षेत्रफल तथा बटा डी ई एफ का क्षेत्रफल कितना होगा, तो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। तो संगत भुजा कौन कौन है, तो बी सी का संगत कौन है, इसमें बी सी का संगत है ई एफ। संगत भुजाओं के वर्गों के, हाँ ई एफ है, ई एफ, ई एफ है, चाहे हाँ ई एफ है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जो है दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 64/64, और डी ई एफ का दिया हुआ कितना, 121। और बी सी, बी सी का मान नहीं दिया हुआ है, वही हमको निकालना है, और ई एफ का मान दिया हुआ है 15/4। तो अब हमको इसको जनरली क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, कि सॉल्व करके इसका मान निकाल लेना है। ओके, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग। हाँ स्क्वायर है यहाँ पे, इसका स्क्वायर यहाँ पे छूट गया है, स्क्वायर है क्योंकि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है ना। तो इसमें क्या हो गया, इसका स्क्वायर यहाँ से हटा देंगे तो यहाँ पे क्या लगेगा, रूट। तो 64/121 बराबर बी सी बटे 15.4। इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ से हम लोग, तो ये निकलेगा रूट है, स्क्वायर रूट पे दो ऊपर निकलता है, तो 8 × 8 और 11 × 11 होगा बराबर बी सी बटे 15.4। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे तो आसानी से इसको हम लोग बना सकते हैं, ये दो ऊपर एक वो निकल जाता है, तो 8/11 और ये इधर भाग है तो जाकर गुना हो जाएगा 15.4। इसको आप काट के और बी सी का मान यहाँ से निकाल सकते हैं जो आपका आंसर होगा, मतलब इसमें इसको गुना कर दीजिए और 11 से भाग कर दिया तो आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए एक समलंब चतुर्भुज है ए बी सी डी, ए बी सी डी क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है, चलिए बनाते हैं, ए बी सी डी समलंब चतुर्भुज है, और हम लोग बना हुआ इमेज भी ले सकते हैं, समलंब चतुर्भुज का इमेज इसमें ऑलरेडी दिया रहता है। समलंब चतुर्भुज ऐसा ही मेनली जनरली ऐसा ही होता है, इसका नाम क्या है, ए बी सी डी। ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें क्या है, ए बी समांतर है सी डी के, ए बी समांतर है सी डी के, और इसके विकर्ण ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इसके विकर्ण, ये विकर्ण है, विकर्ण हम लोग दो खींच लेते हैं, वो विकर्ण ये है और ये विकर्ण ये है, एक दूसरे को कहाँ पे काट रहे हैं, ओ पे काट रहे हैं, ओ पे काट रहे हैं, ये बिंदु जो कटान बिंदु है इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, ओ, ठीक है। और इसमें क्या दिया हुआ है कि ए बी बराबर 2CD, ए बी बराबर कितना है, 2CD है। तो दिया क्या है, दिया है पहला नंबर क्या है कि चतुर्भुज जो ए बी सी डी है, चतुर्भुज ए बी सी डी एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, पहला नंबर बात तो ये दिया हुआ है। इसमें क्या है, ए बी जो है ना समांतर है किसके, सी डी के, इसके समांतर दिया हुआ है, ठीक है, ए बी समांतर किसके,
सीढ़ी के, और इसके विकर्ण ऊपर काट रहे हैं। और इसमें तथा एक चीज और दिया था जो इसमें कह रहा है क्या कि ए बी जो है ना, ए बी बराबर टू सी डी है, यानी सी डी का दुगुना करेंगे तब ए बी होगा, यानी ए बी दुगुना बड़का है सी डी से, ये कह रहा है। ठीक है, ये भी काम आने वाला है। पहले हम लोग क्या, अब कह रहा है क्या यहाँ पे कि त्रिभुज ए ओ बी और सी ओ जी के क्षेत्रफलों का अनुपात याद कीजिए। ध्यान दीजिएगा, ए ओ बी क्या है, ए ओ बी, ध्यान दीजिएगा कौन त्रिभुज है, त्रिभुज ए ओ बी, ये त्रिभुज देख रहे हैं ए ओ बी, ये वाला त्रिभुज, और एक त्रिभुज ये वाला है ऊपर वाला आपका देख रहे हैं जो, ये दोनों त्रिभुज को क्या दिखा, सी ओ डी है ना, सी ओ डी को क्या दिखाना हम लोगों को आपस में, समरूप दिखा रहा है। समरूप दिखाना एक्चुअली है नहीं, मकसद ये नहीं है, प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि आपको निकालना क्या है कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है ना, मतलब निकालना जो है उसको लिखिए क्या निकालना है। तो निकालना है तो त्रिभुज ए ओ बी तथा सी ओ डी के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो पहले क्षेत्रफलों का अनुपात निकालने से पहले हम क्या कर लेते हैं, तो दोनों को दिखा देते हैं कैसा समरूप है, ये दोनों त्रिभुज समरूप दिखा देते हैं दूसरे को। तो लिखेंगे इसमें दिया हुआ, अगर ज़्यादा कॉन्सेप्ट में लिखिएगा उसमें बहुत, फिर बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, सीधे आप लिखिएगा त्रिभुज किसमें ए ओ बी, क्या त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी, ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी, सी ओ डी में आप देख रहे हैं क्या कि एक त्रिभुज ए ओ बी है और एक त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज सी ओ डी है। इसमें देखिए ये दो समांतर रेखा है और एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये कोण बन रहा है ये वाला सी, और ये वाला कोण बन रहा है, देख रहे हैं कोण स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए कि कोण कोण है, ये कोण देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला कोण और ये कोण, दोनों क्या हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अंतर एकांतर कोण से बराबर हो जाएगा, है ना, अंतर एकांतर कोण से ये दोनों कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटती है ना, तो अंतर एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि कोण ओ ए बी, कोण ओ ए बी बराबर होगा कोण ओ सी डी के, कोण ओ सी डी के, इसका लिखेंगे अंतः एकांतर कोण, क्या अंतः एकांतर कोण युग्म, क्या कोण युग्म, ऐसे लिख सकते हैं, कोण युग्म भी लिख सकते हैं या कोण भी लिखकर छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसके बाद फिर उसी तरह से जैसे इसमें हुआ है उसी तरह से यह ए बी जो नीचे वाला है ऊपर सी डी के समांतर है और ये तिर्यक रेखा काट रही है, काट रही है ना, तो इसमें भी यह कोण जो देख रहे हैं ये वाला कोण, ये वाला यह कोण देख रहे हैं, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, है ना, तो कोण ये और कोण ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे कोण, इस कोण का नाम हम क्या लिखेंगे, ओ बी ए या ए बी ओ, क्या कोण ए बी ओ बराबर, इसमें क्या लिखेंगे सी डी ओ, कौन सी डी ओ, ये भी किसे हुआ है, एकांतर कोण से ही क्या हुआ है, बराबर हो गया, एकांतर कोण युग्म से बराबर हो गया। तो दो ही पर हम कर लेंगे, ए ए से क्या हो गया, समरूप हो गया। अब तुम ये भी दिखा सकते हो कि ये कोण जो है ये वाला कोण इस कोण के बराबर से चाहे मुख कोण से, तो तीन को दिखाने की जरूरत नहीं है, हालांकि तीन को बराबर हो जा रहा है, मैं तीन को दिखाने की जरूरत नहीं है, दो को से ही हो जाता है, नहीं, जब किसी त्रिभुज का दो संगत कोण बराबर होता है तो दोनों त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। तो इसीलिए त्रिभुज ए ओ बी, क्या त्रिभुज ए ओ बी समरूप होगा त्रिभुज सी ओ डी के, सी ओ डी के समरूप होगा किसे होगा, ए ए समरूपता कसौटी, है ना, समरूपता कसौटी। और इसी जो जब समरूप हो गया है तो हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, ध्यान दीजिएगा, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इसीलिए चूँकि लिख सकते हैं यहाँ पे, चूँकि यहाँ पे लिख लेंगे समरूप त्रिभुज
समरूप त्रिभुजो लिख लेते हैं, समरूप त्रिभुजो के क्या क्षेत्रफल का अनुपात क्या इसके संगत भुजाओं के इसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता नहीं, अनुपात के वर्ग के बराबर होता है ना, वर्ग के याद रखना चाहिए के बराबर होता है, जो कितना नंबर पर में है, पर में 6.6 नहीं, ये प्रमेय 6.6 है जो एनसीईआरटी का प्रमेय 6.6 ये यही कहता है, और इसको हम लोग सिद्ध भी कर चुके हैं क्या कि कैसे होता है। अभी इसको हम लोग यूज करने वाले हैं, तो यूज कैसे करेंगे देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, हम ये जवाब जान गए हैं कि संगत, अब इसको क्या करते हैं, समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात ले लेते हैं, इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल समरूप त्रिभुज कौन है, एगो ए ओ बी है, ए ओ बी, ए ओ बी बटा एरिया ऑफ क्या सी ओ डी, सी त्रिभुज सी ओ डी है ना, त्रिभुज सी ओ डी समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के, संगत भुजा तो इसमें तीन गुण होता है, किसी भी त्रिभुज में तीन गो भुजा आता है, तीन गो संगत भुजा बराबर होगा, परंतु तीनों में से हम क्या ले रहे हैं, ई वाला एक इसका ए बी ले रहे हैं, तो उसका क्या लेना पड़ेगा हम लोगों को सी डी, ध्यान दीजिएगा, इसका अगर हम ए बी लेंगे तो इसका क्या लें, इसका ए बी लेंगे तो इसका क्या लेना पड़ेगा सी डी। चलिए तो हम लिख सकते हैं इसका ए ओ बी पहले लिखे हैं, तो पहले ए बी होगा, क्या होगा ए बी अब बता सी डी, अब इसको थोड़ा सा इसके वर्ग के अनुपात के बराबर होगा ना, होगा ना, अब इसमें थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, ए बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर यहाँ पे हमारा दिया हुआ था, क्या दिया था टू सी डी, ये दिया हुआ है हमने करें, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी बराबर क्या टू सी डी, तो इसको हम रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ए बी बराबर लिख देते टू सी डी बटा सी डी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि हम अपने मन से नहीं लिखे हैं ए बी को, ए बी बराबर दिया हुआ है क्या टू सी डी, इसीलिए हम लिखे हैं, या ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते दिया है ना, अब सी डी से सी डी तो क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया, तो 2/1 का होल स्क्वायर, और 2/1 होगा ना, अच्छा अनुपात में जरा हम देख लेते हैं अनुपात किसका था, ए ओ बी का, हाँ ठीक है ए ओ बी पहले था, ए ओ बी ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4/1 यानी कि 4:1 आंसर दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा 4:1 ठीक, तो बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर लिए, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, फिर से आपको हम समझा दें, अगर आप एक बार चित्र को समझ लीजिएगा तो बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा, तो ज़्यादातर फोकस कीजिए कि चित्र को ही समझें, लिखना तो एक फॉर्मेलिटी होता है जिसको आपको लिखने लिखते 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 आ जाएगा, चित्र को समझिए पहले, देखिए त्रिभुज है, एक समान चतुर्भुज है ए बी सी डी है ना, इसमें ए ओ बी जो देख रहे हैं ये वाला त्रिभुज ए ओ बी ये वाला त्रिभुज देख रहे हैं ना, ये वाला त्रिभुज इसको इसके समरूप दिखा दिए हैं, कैसे दिखाए हैं, तो ये कोण इस कोण के बराबर है और इस कोण ये कोण इस कोण के बराबर है और ये कोण इस कोण के बराबर है, तो ये समरूप हो जाएगा, और हम जानते हैं समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है या अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, होता है, तो इस आधार पर क्या हो गया, इसका क्षेत्रफल बटे इसका क्षेत्रफल बराबर ए बी बटा सी डी का होल स्क्वायर, ओके, उस पर हम क्या किए ए बी की जगह पर सी डी रख दी, टू सी डी रख दी है, सॉल्व कर दिए हैं, सी डी से सी डी कट गया है, क्या आ गया यहाँ पे आप देख रहे कि क्या आया है, सो आपको एकदम आंखों के सामने है कि ए बी बटा सी डी, टू सी डी रखते सी डी से सी डी कट गया और क्या आ गया आपका 2/1 का होल स्क्वायर यानी कि 4/1 का यानी 4:1 हो गया, तो दिक्कत ठीक है, हम आसानी से समझ सकते हैं क्वेश्चन को, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है कि जो आपको परेशानी करे या परेशान करे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, आकृति 6.44 में एक ही आधार पर बीसी एक आधार बीसी है पर दो त्रिभुज ये बने हुए हैं, तो हमको ये सिद्ध करना है, अच्छा 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 ये सब बहुत सारी बातें हैं, हम पहले बनाते हैं 6.44
किस में? 4:4 में, 6.44 में दिया हुआ है। चलिए इसमें क्या दिया हुआ है, एक आधार है, इस आधार का नाम क्या है, इस आधार का नाम है BC। क्या नाम है इसका? तो इतना में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज बने हुए हैं, एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज बने हैं। एक आधार है, देखिए पहले ध्यान से, एक आधार है BC, ये क्या है BC, एक ही आधार है B और C, इस पर दो त्रिभुज बने हुए हैं। एक त्रिभुज क्या बने हुए हैं, ABC, एक तो एक ए इधर ले लिया गया है और इसे क्या बन गया है, ध्यान दीजिएगा, ABC त्रिभुज बन गया। क्या बन गया ये? ABC। और या उसी पर दूसरी तरफ में एक DBC बना हुआ है, एक बिंदु D लिया गया है, यहाँ पे लिया गया बिंदु D और यहाँ से इसको मिला दिया गया है और D, और बना है क्या, DBC। दो त्रिभुज बन गया, एक त्रिभुज इधर बन गया, एक त्रिभुज इधर बन गया, है ना। और इसमें क्या किया गया है, ADBC को ऊपर काट दिया है, AD को मिला देना है, AD को मिलाया गया है, जो BC को कहाँ पे काट रही है, O पे काट रही है। तो इसे आप देखने में लग रहा था चतुर्भुज है, चतुर्भुज की बात नहीं, आप समझ में आ रहा है, दो त्रिभुजों की बात हो रही है, एक ABC त्रिभुज जिसका आधार क्या है, BC है, और एक उसी आधार पर, सेम आधार पर एक त्रिभुज बना है क्या, BDC जिसका आधार भी क्या है, BC है। और इसमें एक किया गया क्या कि A से D को मिलाया गया है, जो BC को कहाँ पे काट रही है, O पे काट रही है। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, प्रतिच्छेद करते तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ABC, ABC का एरिया, ABC यानी इसका एरिया, ये वाला त्रिभुज देख रहे हैं ना, ये त्रिभुज का जो एरिया देख रहे हैं, ये एरिया पूरा एकदम स्पष्ट रूप से समझ में आपको आनी चाहिए कि ये त्रिभुज के बारे में बात हो रही है, ये इसका एरिया बटे DBC यानी कि आप देख सकते हैं कौन वाला, ये वाला एरिया, इसके एरिया का अनुपात आपको क्या करना है, शायद निकालना है। अरे वैसे में एक त्रिभुज है क्या ABC, एक त्रिभुज क्या है BDC, दोनों का एरिया का अनुपात जो है ये दिखाना है कि AO बटा DO होगा, क्या होगा, AO, यहाँ से AO, ये यहाँ पे आपको दिखाते हैं क्या, AO बटा DO होगा। यहाँ पे बड़ी अजीब बात है, अब बताइए कैसे दिखाइएगा, बोलिए ये कैसे दिखाइएगा कि भैया दोनों क्षेत्रफल त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात, हम तो पढ़े संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात क्यों होता है ना, इस भुज का भुजा भी नहीं है, है फसान फंसेगा इसमें। फिर बोलिए कोई आदमी बता सकते, आप ग्रेट रहते हैं तो सीखने उखने में बड़ा इंटरेस्टेड है, कोई चीज़ नया बनता है ना तो सीख लेते तुरंत। देखिए तो यहाँ पे क्या कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और ये क्वेश्चन हम लोगों से ऐसे नहीं बनने वाला है, ठीक है, हम पूरा शुरू से बता देते हैं, ध्यान से समझिएगा, आप लोग थोड़ा हेल्प कीजिएगा बताने में, अब बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन बनने वाला है, इतना आसानी से नहीं बनेगा। अरे एक काम करो, तो थोड़ा साथ ही ला देता, थोड़ा गर्मी लग रही ना जी, थोड़ा साथ ही पंखा, या तो ऊपर चला दोगे पंखा, या तो ऊपर कहना मैडम को पंखा वाइट वाला देने के लिए, थोड़ा सा गर्मी लग रहा है, जल्दी कहिए जल्दी, वाइट वाला पंखा उठा लीजिएगा, ऊपर रखा हुआ है, बीच वाला में ऊपर जाइएगा। चलिए तो स्वास्थ्य बताते हैं, कल में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि एक आधार है BC, क्या है BC, ध्यान दीजिएगा BC एक आधार वाला है, आधार वाला नहीं है, आधार है, और यहाँ से दो त्रिभुज बनाया गया है, एक त्रिभुज ABC, इसमें क्या किया गया है,
ए यहाँ पे लिया गया, ठीक है ना, और इसको मिला दिया गया है, और इसको भी मिला दिया गया है, त्रिभुज कोण बन गया, इसका नाम क्या बन गया, ए बी सी। और इधर ले लिया गया है एक बिंदु आपका डी, क्या लिया गया है डी, और यहाँ से भी इसको मिला दिया गया है और इसको मिला दिया गया है, इसका नाम क्या पड़ गया डी। और इसको जहाँ पे काटती है ना, इसका नाम क्या दिया गया है ओ, क्या नाम दिया गया ओ। अब आपको यहाँ पे प्रूफ करना है क्या, पहले दिया क्या है उसको लिख लीजिए, क्या क्या दिया हुआ है, बोलिए, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ, है ना, नहीं, त्रिभुज ए बी सी तथा बी सी डी, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज है ना, हाँ डी बी सी है, त्रिभुज डी बी सी जो एक ही आधार पर है ना। देखिए त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी, और त्रिभुज क्या है डी बी सी, डी बी सी जिसका एक ही आधार है, जिसका आधार जो एक ही आधार जो एक ही आधार किस पर, बी सी पर है, बी सी पर है, और इसमें एओ नहीं, एओ नहीं ना, ए डी बी सी को कहाँ पे काट रही है, बी सी को ओ पर काटती है, यही ना दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसमें रचना करेंगे, क्या रचना, रचना क्या करेंगे, रचना करने से पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा सिद्ध क्या करना है, क्या तो लिखते हैं, क्या सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है बुआ, हाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, बोलते रहिए थोड़ा सा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी यानी ए बी सी का, और एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी, बी डी सी बराबर क्या, ए ओ बटा डी ओ, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, रचना करेंगे, क्या करेंगे रचना क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ए से बी सी पर लंब खींचेंगे, ए से बी सी पर लंब खींचेंगे, और डी से बी सी पर लंब खींचेंगे, डी से क्या करेंगे बी सी पर लंब खींचेंगे, और ये ओ हमको डिस्टर्ब कर रहा है तो ओ को यहाँ से थोड़ा सा हम रिप्लेस कर देंगे, हटा देंगे यहाँ से, वो इधर लिख लेते हैं, चाहे इधर लिख लेते हैं, अरे भाई इधर तो कामें हैं, दोनों तरफ तो कामें हैं। और ये जो ए से लंब डाले हैं इसका नाम देते हैं एम, और बी से लंब डाले इसका नाम देते हैं क्या एन। तो रचना क्या किए हम, रचना किए कि बी एम ए सॉरी ए एम लंब डाले हैं, ए एम लंब डाले, तो लंब को कैसे लिखा, देखिए ऐसे ए एम लंब डाले हैं किस पर, बी सी पर, तथा डी एन लंब डाले हैं, क्या डी एन लंब डाले हैं किस पर, बी सी ए पर, सेम चीज बी सी ए पर डाले हैं, खींचा, क्या खींचा। अब हम लोग क्या करेंगे, सिद्ध करना है हमको, अब बताइए सिद्ध, सिद्ध करना तो हो ही गया है, अब क्या लिखेंगे हम लोग, प्रमाण, क्या लिखेंगे प्रमाण में ही मेन चीज छुपा होता है, कैसे सिद्ध किया जाए इसको, अब प्रमाण कैसे सिद्ध करेंगे इस चीज को कि भैया एरिया, इसका एरिया ए बी सी का एरिया यानी क्षेत्रफल, और त्रिभुज बी डी सी का क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा ए ओ बटा डी ओ होगा कैसे। तो इसके लिए पहले हम ये जो दो त्रिभुज बना है, ये त्रिभुज देख रहे हैं यहाँ पे आप, गौर से देखिए समझ में आएगा, ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये त्रिभुज
और ये त्रिभुज देख रहे हैं, ये दोनों त्रिभुज को क्या दिखाना होगा हम लोगों को, समरूप दिखाना पड़ेगा। और समरूप दिखाने के बाद में तब हम कुछ कर पाएंगे, क्या करेंगे देखिएगा ध्यान से। पहले त्रिभुज ए ओ एम, त्रिभुज ए ओ एम दिखाई दे रहा है, ए ओ एम ये छोटका त्रिभुज दिखाई दे रहा है ना, ए ओ एम दिखाई दे रहा है ना, ये त्रिभुज। और दूसरा का तथा त्रिभुज डी ओ एन, ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है, इसका नाम क्या है, त्रिभुज डी ओ एन में क्या देख रहे हैं, इसमें हम इसमें देख रहे हैं कि ये 90 डिग्री कोण है, लंब डाले तो 90 डिग्री होगा ना, और ये भी 90 डिग्री है, तो एम बराबर एन कोण, कोण एम बराबर कोण एन किसे हुआ है, 90 डिग्री होगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो रचना ही किए हैं हम, यहाँ पे रचना लंब किए ना, लंब माने क्या होता है 90 डिग्री है ना, ये किसे हुआ है, रचना से। और एक चीज और देखने को मिल रहा है, क्या जानते हैं, एक चीज और हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या, कि ये तो रचना से हो ही गया है, और एक चीज क्या देख रहे हैं कि ये शीर्षाभिमुख कोण बराबर, ये कोण बराबर ये कोण होगा ना, ये शीर्षाभिमुख कोण क्या हो गए, बराबर होंगे, तो इस शीर्षाभिमुख कोण यानी कोण ए ओ एम, कोण ए ओ एम बराबर कोण ए ओ एम बराबर कोण डी ओ एन, कौन डी ओ एन, इस शीर्षाभिमुख कोण से ये कोण बराबर ये कोण हो जाएगा, जैसे ये मतलब समझ रहे ना कैसे हो रहा है, शीर्षाभिमुख कोण से होगा ये कोण बराबर ये कोण, इसको लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण, क्या शीर्षाभिमुख कोण। अब ये दोनों ये दो कोण बराबर हो गया था, त्रिभुज क्या हो गया, इसे त्रिभुज, त्रिभुज क्या आएगा, त्रिभुज ए ओ एम, ए ओ एम समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसको हो जाएगा, डी ओ एन के समरूप हो जाएगा, किसे हुआ है, ए ए समरूपता कसौटी, इसे ही समरूप हो गया ना, बुआ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आए तुरंत पूछो, समरूप हो गया तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के हम जानते हैं है ना, इसीलिए इसी संगत भुजा दो को ले रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं, एक ले रहे हैं ओ एम ले रहे हैं, एम क्या ले रहे हैं, इसका एम ले लेंगे तो इसका क्या होगा बताइए बुआ, डी एन होगा, क्या होगा, और इसका अगर हम ले लेंगे क्या ए ओ, क्या लेंगे ए ओ, इसका क्या होगा डी ओ होगा ना, एगो यू होगा ओ एम बराबर ओ एन, मगर इसका जरूरी हमको नहीं है, जिसका जरूरी होगा वही ना लेंगे, काहे हुआ है इसका कारण कोई कहेगा कि भैया कारण बताओ इसका काहे ऐसा हुआ है तो क्या कहोगे, कारण क्या कहोगे, अच्छा पहले उस चित्रवा को हम ले आते हैं यहाँ पे, चित्रवा रहेगा तो सुविधा हो जाएगा, चित्रवा नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा, ये चित्र हमको चाहिए, और किसी भी चित्र को यहाँ पे हमको एक क्लोन चाहिए, इसी का डुप्लीकेट, और इसको हम इधर घसका लेते हैं, चलिए चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा मोड़ा तो कसौटी वगैरह सब कार्य करेगा, ठीक है चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग कि भैया यहाँ पे क्या क्या चीज हो गया, ध्यान दीजिए क्या हो गया, ए एम ध्यान दीजिएगा, ए एम बटा डी एन बराबर ए ओ बटा डी ओ, क्यों हुआ है, क्योंकि समरूप त्रिभुजों के संगत क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि त्रिभुज क्या ए ओ एम समरूप है, ज्यादा ऊपर तो लिख लाइए, इतना लिख लाइए यहाँ पर क्या लिख लीजिए, क्या ऊपर तो लिख लाइए ना समरूप है, तो आप ये लिख लाइए तो जरूरी नहीं लिखने का फिर दोबारा हमको,
अब यहाँ पे ये देखना है समीकरण, इसको मान लेना है एक, क्या मान लेना है समीकरण एक। अब हम निकालते हैं त्रिभुज, अब भूल जाइए ये सब जो निकाले हैं उसको भूल जाइए। अब चलिए हम लोग त्रिभुज किसमें, ए बी सी में, किसमें ए बी सी में त्रिभुज, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, अब बचे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी, दोनों क्षेत्रफल का अनुपात, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी दिखाई दे रहा है, ए बी सी, अगर हम इसको सिर्फ मिटा दें तो त्रिभुज ए बी सी रखें, दिखाई दे रहा है ना, इसमें क्या है आधार क्या है इसका, लंब क्या है इसका, यहाँ पे ई वाला है ओ, यहाँ पर ई क्या है आपको दिखाया जाते, रुक जाइए, ये है ओ, ये क्या है एम, तो इसका ऊंचाई कौन होगा, ओ एम होगा कि ओ ए होगा, लंब जो होता है वही ना ऊंचाई होता है, हैं ऊंचाई कौन होता है जो आधार पर लंब होता है, हम लोग तो फॉर्मूला जानबे करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है एक बटा टू गुना आधार गुना शीर्ष लंब या ऊंचाई होता है ना, या शीर्ष लंब होता है ना, तो एक बटा टू गुने आधार, आधार क्या होगा इसका आ गुने शीर्ष लंब क्या हो जाएगा ए एम बटे, आ इसका अगर इधर से हम मिटा दे तो इसका आधार क्या हो गया, लंब क्या हो गया डी एन होगा ना, क्या होगा डी एन, तो एक बटा टू गुने आधार क्या होगा इसका बीस, ऊंचाई क्या होगा इसका डी एन, डी एन हो जाएगा, हाँ डी एन, ठीक है ना बुआ। अब बताइए एक बटा टू से एक बटा टू कट गया, बी सी से बी सी कट गया, क्या आ गया एम बटा, और एम बटा डी एन किसके बराबर है, ए ओ बटा डी ओ के, यहाँ पर लिख रहे समीकरण एक से, और यही हमें सिद्ध करना था समीकरण एक से, हो गया प्रूव कर लिए हम लोग क्या, हो गया सिद्ध ना हुआ सिद्ध, यही ना सिद्ध करना था कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज बी डी सी का क्षेत्रफल बराबर ए ओ बटा डी ओ, यही चीज माना यहाँ पे आ जाएगा भैया, आप लोग यही चीज माना यहाँ पे आएगा, होगा ना जी सेम ना है, ठीक है सिद्ध हो गया ना, तो आराम से हम लोग इसको सिद्ध कर लिए, बस थोड़ा सा ट्रिक लगाना पड़ा है, हो गया ठीक है, अगला क्वेश्चन चलें, आ गया कि नहीं, फिर से समझा देते हैं एक बार, क्या कोई भी क्वेश्चन को एक बार माइंडली समझना बहुत जरूरी होता है कि भाई है क्या चीज़, देखो फिर से बता देते हैं, अब तुम लोग हेल्प करोगे, बताओ आधार क्या था सेम, आधार का नाम था बी सी, एक आधार है जिसका नाम है क्या बी सी, इधर एक त्रिभुज इसका नाम क्या पड़ गया ए बी सी, क्या ए बी सी, इधर एक हो गया आपका क्या डी, इधर हो गया डी बी सी, और यहाँ से एक रेखा खींच दिया गया इससे जो कहाँ पे काटती है ओ पर, हमको सिद्ध करना है कि त्रिभुज इसका क्षेत्रफल और एकर क्षेत्रफल का अनुपात, यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज बी डी सी का क्षेत्रफल बराबर ए ओ बटा डी ओ, ये सिद्ध करना था हमको, इसके लिए हम रचना क्या किए हैं, यहाँ से रचना क्या किए हैं बोलिए, यहाँ से इसे लंब अंकित निकाल दिए हैं, लंब का नाम दिए क्या एम, और यहाँ से एक लंब खींच दिए क्या इसका नाम दिए एन, ये लंब खींचे हैं, ये वाला लंब खींचे हैं और ये वाला लंब खींच दिए, खींचिए पर लंब खींच दिए, और लंब खींचे तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, और ये कौन बराबर ये कौन हो गया, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, त्रिभुज नंबर एक त्रिभुज नंबर दो के क्या हो गया, समरूप त्रिभुजों के संगत क्षेत्रफलों का अनुपात, नहीं समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं, तो क्या होगा एम बटा क्या होगा एम बटा डी एन, एम बटा डी एन, एम बटा डी एन बराबर कितना हो गया ए ओ बटा डी ओ, निकाल लिए हैं, हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ए बी सी का क्षेत्रफल कितना है एक बटा टू गुने आधार, इसका आधार कितना है बी सी, इसका ऊंचाई कितना है ए एम, और इसका कितना आया है एक बटा टू गुने इसका आधार कितना आया है डी, हाँ बी सी आधार तो बी सी है, और ऊंचाई कितना है डी एन,
बेचारा ये तो ये कट गया, बीसी से बीसी कट गया, क्या आ गया एम बटा डी एन। और हम जानते हैं कि एम बटा डी एन का मान कितना है, ए ओ बटा डी ओ है, तो निकल गया क्या ए ओ बटा डी ओ। यह निकल गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी बराबर ए ओ बटा डी ओ। यही ना थॉट है, आया कि नहीं? नहीं आया तो पूछ सकते हैं, अभी एकदम दिमाग में चल रहा क्वेश्चन शायद। देखो होता क्या है कि थोड़ा इसे क्वेश्चन से थोड़ा दिन होने लगेगा ना तो माइंड से निकलने लगेगा, तो यही छोटा छोटा चीज़ सब जानकारी होना चाहिए, समझ गए। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर आपका चार। क्या करा है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। देखिए दो त्रिभुज है, त्रिभुज कितने हैं दो, एक त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज का नाम क्या है ए बी सी, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज कौन है डी ई एफ है, क्या है डी ई, ये दोनों त्रिभुज समरूप है, क्या है दिया है, क्या दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज, त्रिभुज डी ई समरूप त्रिभुजों के क्या होते हैं संगत कोण बराबर होते हैं, होते कि नहीं होते हैं, इसका मतलब क्या होगा कोण ए बराबर किसका होगा डी के, कोण बी बराबर किसके होगा ई के, और कोण सी बराबर किसके होगा एफ के। बात समझ रहे हैं ना, ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि भैया ए बराबर होगा डी और कोण बी बराबर होगा, भैया क्या है कलर तक चेंज करना चाहते हैं तो हो भी नहीं करता, क्या बात कलर बी बराबर, अरे भैया क्या बात है कौन बी बराबर क्या हो जाएगा, कौन बी बराबर हो जाएगा कौन ई, आ कौन सी बराबर हो जाएगा कौन एफ, कौन सी बराबर हो जाएगा कौन एफ होगा ना जी, लड़का लड़का के बराबर होगा ना, बी बी के बराबर, बी ई के बराबर, सी एफ के बराबर होगा ना जी। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना है आपको कि ये इसके बराबर होता है। अब बात करते हैं हम लोग ये बराबर तो समझ लिए हम लोग कि बराबर कौन किसके किन को बराबर है, समझ में आ गया। अब बात यहाँ पे आ रही है क्या कि हमको ये सिद्ध करना है कि ये इसका नहीं एक चीज़ और दिया है कि इसका क्षेत्रफल बराबर है तथा, क्या दिया है तथा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या ए बी सी क्या बराबर है, क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ के होगा ना, है ना बराबर है, कौन है तुम, अच्छा ठीक है, तो दोनों के बराबर एरिया दोनों के बराबर है ना, इसका एरिया इसका एरिया है, हाँ एरिया दोनों के बराबर है ना, दिया है समरूप त्रिभुजों के संग क्षेत्रफल भी बराबर है, अच्छा त्रिभुज छूट गया है सिंबल इसका, अरे उतना बड़ा हाँ बात तो था भाई, है ना। तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बताइए, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है, त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध करना है, तो चलिए कोई बात नहीं। प्रमाण, हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, लिखेंगे क्योंकि समरूप त्रिभुजों के, समरूप त्रिभुजों के क्या क्षेत्र फलों का क्या अनुपात, बोलिए संगत है, इसकी लिखते हैं ना, इसकी क्या हाँ संगत भुजाओं के अनुपात के, हाँ एकदम याद कर लीजिएगा, वर्गों अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, नहीं तो इसको हम लिख के, और एक बात कर सकते हैं यहाँ पे कि परमेय 6.6 ऐसे ही सकते थे, नहीं लिखता कोई बात नहीं था, लिख दिया अच्छा है,
तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर इसका संगत भुजा क्या हो जाएगा बोलिए, ए बी आए डी ई एफ होगा, हाँ तो ए बी इसका होगा ए बी, इसका क्या हो जाएगा डी ई, इसका होगा बी सी क्या, इसका क्या हो जाएगा ई एफ, और इसका हो जाएगा ए सी, तो क्या हो जाएगा इसका डी एफ, मगर इसके वर्ग के बराबर होगा, क्या होगा इसके वर्ग के बराबर है ना। अब जानिए क्या कि ये दोनों क्षेत्रफल बराबर है ना, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा डी एफ का बराबर है एरिया, तो इसको भी सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, क्योंकि दोनों का एरिया बराबर है ना, है तो कट के ए वन हो जाएगा ना, ए बी बटा वही सीवा सेम टू आएगा, तो इसलिए कट के दोनों दोनों का एरिया बराबर है, काट दें यहाँ पे हम, काट के कितना जाएगा, कितना जाएगा एक, तो एक बराबर हो जाएगा क्या सब, ए बराबर ए बी बटा डी स्क्वायर, इसका मतलब ये हो गया, इसीलिए ए बी बटा क्या डी का होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया एक, यानी ए बी बटा डी बराबर कितना हो गया एक, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी बराबर क्या हो गया डी होगा। इसी प्रकार से क्या निकलेगा, फिर उसे करोगे बी सी एस वही सब को करोगे तो आएगा क्या आएगा, इसमें क्या निकलेगा बी सी बराबर क्या निकलेगा ई एफ, तथा इसी प्रकार और क्या निकलेगा ए सी बराबर क्या निकलेगा ए सी बराबर बी एफ निकलेगा ना। तो अब देखिए त्रिभुज दो त्रिभुज हो गया, त्रिभुज कौन कौन हो गया, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी एफ, त्रिभुज ए बी सी डी ई एफ, पहले तो यह संगत भुजा समानुपाती था, अब ये इतना बड़ा है उतना ही बड़ा ये है, उतना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये हो गया, और जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये हो गया, और ये दोनों कोण पहले से बराबर, ये इसको कोण बराबर था, और ये वाला कोण देख रहे हैं ये कोण इसके बराबर था ना। तो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में क्या देख रहे हैं हम, कोण बी बराबर कोण ई, कौन एफ बराबर कौन सी, ज्यादा सी बराबर एफ, कौन सी बराबर कौन एफ, तथा क्या बोलिए ना ना ए बी बराबर बी ए बी ना वो ना लीजिए बी सी बराबर ई एफ, इसीलिए त्रिभुज क्या हो गया, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज डी ई एफ के कोण भुजा कोण क्या कोण भुज एंगल साइड एंगल से समरूपता कसौटी क्या है, ये समरूपता नहीं सर्वांग समता क्या नौमा में पढ़े ही नौमा में सर्वांग समता सर्वांग समता कसौटी, यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, कहाँ से पढ़े हैं नौमा का ही, यहाँ से ही नौमा का हो गया, यही तो कहना था हमको क्या प्रूव हो गया। देखिए